ब्रेक के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर देहरादून से। बता दें कि देहरादून के नए ब्रांड एम्बेसडर बने प्रसून जोशी। बता दें धामी सरकार ने प्रसून जोशी को बनाया ब्रांड एम्बेसडर, पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं प्रसून जोशी। प्रसून जोशी राज्य की संस्कृति को कर रहे हैं प्रोत्साहित। लेखक एवं गीतकार है पद्मश्री प्रसून जोशी। संस्कृति एवं धर्मस्व हरिचंद्र ने जारी किया आदेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां देहरादून के नए ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी को बनाया गया है। धामी सरकार ने प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं प्रसून जोशी। बता दें कि गीतकार और लेखक है प्रसून जोशी और पद्मश्री से सम्मानित है प्रसून जोशी, जो कि अब देहरादून के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। धामी सरकार ने प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां प्रसून जोशी देहरादून के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। धामी सरकार ने प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं प्रसून जोशी। लेखक और गीतकार है प्रसून जोशी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां देहरादून के नए ब्रांड एम्बेसडर बने प्रसून जोशी। धामी सरकार ने प्रसून जोशी को बनाया ब्रांड एम्बेसडर, पद्मश्री से सम्मानित। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अवनीश गुप्ता देहरादून से जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है। अवनीश जी, देहरादून के नए ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी को बना दिया गया है। धामी सरकार ने बड़े ही विश्वास से उन्हें इतना बड़ा पद दिया, अब देहरादून को क्या उम्मीदें हैं उनसे? देखिए अश्मिता, अगर बात करें देवभूमि की, तो यहाँ पे वैसे भी देखा जाए तो सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो सांस्कृतिक होती है यहाँ की वो अलग ही है। देवभूमि की जो लोक पर्व है वो अलग होते हैं यहाँ पे, उसको लेके क्योंकि पूरे देश में इसकी जो है सांस्कृतिक जो घटा है उसको बिखेरने के लिए बाकायदा जो प्रसून जोशी है वो देवभूमि से ही जो है रिलेटेड है, उनको जो है ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बनाया गया है। और देर रात बाकायदा जो संस्कृति विभाग के सचिव है उन्होंने इसके आदेश भी जारी कर दिया। और इस तरीके से देखा जाए तो जो देवभूमि उत्तराखंड की जो संस्कृति की बात है वो पूरे देश विदेश तक जो है फैलाने की यहाँ पे बात जरूर की जा रही है। जी अच्छी तरह। चलिए, तो कुल मिलाकर खबर ये आई कि पद्मश्री से भी वो नवाजे जा चुके हैं, तो अब देहरादून की जो आगे ग्रोथ होगी वो हमें भी उम्मीद है कि अच्छी तौर पे होगी, क्योंकि इतना बड़ा नाम है अपने आप में प्रसून जोशी। बिल्कुल, देखिए अस्मिता, अगर बात करें कोई ज्यादा पहचाना नाम है प्रसून जोशी जो है हमारे डायरेक्टर और संगीतकार रहे हैं, और खास करके बात करके उनका जो लगाव है देवभूमि से लगा हुआ है, और ये पद्मी भूषण से जो है वो नवाजे गए थे। और इसको अब देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इससे कहीं ना कहीं जो है देश संस्कृति के साथ साथ जो है पर्यटन को भी यहाँ पे बढ़ावा जरूर मिलेगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको उत्तराखंड से बताई, जहां देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, प्रसून जोशी को बनाया गया है, धामी सरकार ने उन्हें ये पद दिया है, और बता दें कि पद्मश्री से भी नवाजे गए हैं प्रसून जोशी, गीतकार और लेखक हैं।